नगर परिषद तेंदुखेड़ा एवं पूरे क्षेत्र में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगता है। हिंदू सनातन धर्म में गाय को गोमाता कहते हैं। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गाय पूजनीय है, लेकिन हालात दिनों दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। देखा जा सकता है कि तेंदुखेड़ा नगर की हर सड़क पर मवेशियों का डेरा बना रहता है। सड़कों पर मवेशी बैठे होने की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार द्वारा गौशाला बनाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। तेंदुखेड़ा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी से लोग परेशान हैं। तेंदुखेड़ा नगर में सैकड़ों की संख्या में आवारा मवेशी जहां तहां सड़कों पर अपना डेरा जमाए हुए बैठे रहते हैं, जिससे लोग काफी परेशान हुए हैं। आवारा मवेशियों की वजह से दुकानदार, नगर की जनता और किसान भी काफी परेशान नजर आती है। तेंदुखेड़ा नगर में गौशाला ना होने की वजह से मवेशियों की धमाचौकड़ी देखने के लिए मिलती है। हालांकि इन मवेशियों के लिए तेंदुखेड़ा नगर परिषद द्वारा नगर के बाहर चरनोई भूमि आवंटित की गई है, लेकिन कुछ लोगों की मेहरबानी से उस भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी वजह से नगर में घूम रहे पशुओं के लिए कोई जगह नहीं है। जगह ना होने की वजह से मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं और आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तेंदुखेड़ा क्षेत्र में बीते 15 दिनों में लगभग 15 से 20 मवेशियों की एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है। नगर के लोगों ने मांग की है कि तेंदुखेड़ा में गौशाला बनवाई जानी चाहिए। जाते हैं सूचना मिलती है। और आवारा मवेशियों की स्थिति इसलिए खराब है भाई साहब, क्योंकि गौपाला जब तक गाय दूध दे रही है जब तक तो उनकी सेवा करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है तो चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो या शहरी स्तर में, स्थिति एक सी है। गाय को आवारा छोड़ देते हैं, रोडों पर बैठती, एक्सीडेंट होते हैं और उसकी स्थिति दयनीय है। और नगर में कोई गौशाला नहीं है। पहले कांजी हाउस होते थे तो उनमें गायों को बंद कर लेते थे। उस डर से पशु मालिक अपने पशुओं की चिंता करते थे, रात को समय से उन्हें ले आते थे यार। क्योंकि अब कांजी हाउस भी बंद हो चुके हैं और गौशाला नहीं है तो बड़ी दिक्कत है, पूरी रोड पे बैठी रहती हैं गायें। आप लोगों की क्या मांग है? मांग यही है कि आसपास शासकीय भूमि जो है उसकी सीमांकन करवा के और कुछ या तो गौ अभ्यारण या फिर कोई बड़ी गौशाला के रूप में इनकी व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें अपना घर मिल सके और सुरक्षित रह सके। आप लोगों की क्या मांग है और क्या पहल चाहते? तेंदुखेड़ा में बहुत समय से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आए दिन हाईवे पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और हम ये विचार रखते हैं कि एक बड़ी गौशाला या फिर किसी भी प्रकार से गौ अभ्यारण चालू किया जाए, जिससे उनको अपना घर मिल सके, सड़क की दुर्घटनाएं बच सकें, और जो भी राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उन्हें सुरक्षित गौ माता के लिए दिया जाए, यही हमारी मांग है। क्षेत्र में जहाँ तहाँ आवारा पशुओं की जो संख्या है, तेंदुखेड़ा में जो चरनोई भूमि उस पर अतिक्रमण भी है और जहाँ तहाँ पर आवारा पशु घूम रहे हैं, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक दयनीय स्थिति है पशुओं के लिए, जो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। चारागाह की जो सरकार द्वारा जमीन में भूमि प्रदान की जाती है, उसको राजनीतिक या नेता लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उसे निकालने के लिए हम लोग उस जमीन से कब्जा हटवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और आगे चलकर हम लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी इसमें। ज़मीन पर कितने लोगों ने कब्जा किया है? लगभग ये 5-6 लोगों ने किया है। कि अगर मान लो 500 की मात्रा में 500 की मात्रा में मवेशी हो तो व्यवस्था हम नगर पंचायत के स्तर पर कर देंगे, भाई गौशाला बना देंगे, उतने के लिए भूसा चारा पानी की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जहाँ हजारों की मात्रा में आवारा मवेशी हैं, तो उसके लिए, उसके बजट के लिए तो मध्य प्रदेश या भारत सरकार के स्तर पर ही कोई बड़ा प्लान बनना चाहिए। और इसके लिए तो मेरा सुझाव है, जैसे हमारे जो अभ्यारण्य हैं हजारों एकड़ के, वहाँ हजारों एकड़ में भाई घास की व्यवस्था रहती है, पानी की व्यवस्था रहती है, वहाँ कोई अच्छी गौशालाएँ जिनमें दो दो चार पाँच पाँच हजार गायें रहें, उनकी सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाए, तो इस समस्या से अपन समाधान पा सकते हैं। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।